तो आई होप कि आज का दिन आप लोगों को बहुत अच्छा गया है। फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे एनालिसिस के हिसाब से, मार्केट ने हमें रिस्पेक्ट किया, क्योंकि हम मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं, मार्केट भी हमें रिस्पेक्ट करता है। तो सिंपल सा है, बस प्लान कीजिए, प्लान वाइज अगर आप ट्रेड करेंगे उसके बाद ऐसे लेंगे, गुड लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि कल यानी कि 12th of July को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे और फिन निफ्टी में हम ट्राई करते हैं एक्सपायरी के दिन ही सिर्फ ट्रेड करने के लिए। ओके, बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और कोई भी स्टॉक्स में अभी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक मार्केट फिर से अपने रैली को कंटिन्यू नहीं करता कोई भी स्टॉक लेना ठीक नहीं होगा। कोई भी सेक्टर आप पकड़ लीजिएगा, वहां पे क्या होगा, अगर इंडेक्स आपके साइड में नहीं चलेगा तो स्टॉक्स बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले निफ्टी से। निफ्टी में एक कैंडल बना है, बहुत प्यारा शूटिंग स्टार, फिर से वही लेवल से जहां से पहली बार इनिशियल सेलिंग आया था 520-525 के आसपास से। आप अगर थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको डबल टॉप बॉटम दिख जाएगा। देखिए, डबल टॉप बॉटम और एम पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है, इसमें बहुत बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस है। हर एक डबल टॉप एम पैटर्न नहीं होता है, हर एक एम पैटर्न डबल टॉप पैटर्न नहीं होता है। तो चीज़ों को, एम पैटर्न को आप छोटे टाइम फ्रेम में यानी शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन डबल टॉप का बहुत सारा मीनिंगफुल चीज़ें आता है। तो डबल टॉप जो होता है एम से ज़्यादा बेयरिश माना जाता है। यहाँ पे डबल टॉप बना है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, अगर डेली में बनता तो और ज़्यादा बेयरिश होता है। एनीवे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में 1 आवर 15 मिनट पे आपको दिख जाएगा और उसी इनिशियल सेलिंग लेवल से सेलिंग आ रहा है। अब क्या होगा ना, अगर मार्केट को नीचे आना होगा कल ही आएगा, अगर नीचे नहीं आना होगा मैक्स टू मैक्स 2 दिन रुक सकता है, कल या परसों, नहीं तो नहीं आएगा मार्केट नीचे। अगर कल भी इसने रेस्पेक्ट कर दिया और परसों भी रेस्पेक्ट, लोगों को रेस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, वो अपना रैली कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग में इतना टाइम नहीं देगा आप लोगों को, ये बात याद रखिए। एक एक्सपायरी था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि आज निफ्टी एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। क्यों? क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, शॉर्ट कवर हुआ, फ्रेश शॉर्ट आ गया है। अब मार्केट कल या परसों के अंदर आपको बड़ा फॉल देखने को मिलेगा अगर उसको नीचे आना है। अगर नहीं फॉल मिलता है तो वो नीचे नहीं आएगा, यहाँ पर साइडवेज होकर अपना ऊपर वाला रैली टाइम करेक्शन करके, वो फिर और प्राइस करेक्शन के लिए नहीं आएगा, टाइम करेक्शन करके ऊपर चला जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट पे देखते हैं लेवल्स वगैरह कहाँ पे क्या निकल के आता है कल के सेशन के लिए। मैं इन सबको ये चीज कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। देखिए, हम निफ्टी में क्या डिस्कस कर रहे थे, इसके ऊपर बाय नहीं करना है। अगर बाय चांस गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता है। कहाँ तक ये इनिशियल टारगेट हमारा था, बिल्कुल वही पे आप देखेंगे, पॉजिटिव ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ये लेवल को रिटेस्ट किया थोड़ा सा। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ये भी बोला था, स्कैल्पिंग के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं कि 15 मिनट का कैंडल को जैसे तोड़ेगा, एक स्कैल्पिंग के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटा सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, इसी जोन के आसपास से बड़ा एक अच्छा छोटा सा प्राइस एक्शन नीचे की तरफ भी बेंडिंग होके, इसे हम देखिए, ये जो है ये हो गया डबल टॉप और ये हो गया एम पैटर्न, ये एम नहीं है, ये एम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बहुत बहुत वास्ट है, कभी फुर्सत में आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे एम पैटर्न बन गया, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, नेकलाइन के नीचे एक पैनिक सेलिंग आ सकता है। हाँ, निफ्टी में 40-45 पॉइंट ही गिरा, लेकिन वेयर एज बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, हमारा इंडेक्स चूजिंग थोड़ा सा आज गलत था, और मैं क्योंकि अभी फुल टाइम निफ्टी में कर रहा हूं तो मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करता हूं, फिन निफ्टी सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के लिए। तो आज फिन निफ्टी में मजा आया होगा। ओके, अब निफ्टी में एक बार देख लेते कल के लिए हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट रहा और कल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे? ये लेवल को ध्यान से देखिए, अगर कोई प्राइस पॉइंट से मार्केट बार बार प्राइस पॉइंट के वहां पे बिहेवियर कर रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यहाँ पे देखिए, मार्केट इसके ऊपर जा नहीं रहा था, उसके ऊपर गया, इसको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लिया, फिर गिरा, फिर इसको कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद आज फिर ऊपर गया, इसको सपोर्ट लेते हुए गया, आज फिर इसको सपोर्ट ले रहा है। तो ये जोन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक प्रेशर जोन है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और एक चीज, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है फिर भी हम नीचे का साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जब तक मार्केट 500 के ऊपर, निफ्टी की बात कर रहा हूं, जब तक 500 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है तब तक पॉजिटिविटी के बारे में हम सोचेंगे नहीं। लेकिन अगर कल खुलते ही पूरा ऊपर का साइड का प्रेशर इस तरह से आ जाता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। फिर भी हम देखेंगे, पॉसिबिलिटीज रहेगा कि गैप अप ओपन ना हो, फिर भी अगर होता है छोटा मोटा गैप अप पे चलेगा, लेकिन 500 के ऊपर नहीं खुलना चाहिए। 30-40 पॉइंट हम एडजस्ट करने के लिए रेडी है मार्केट के साथ, लेकिन 500 के ऊपर जो कि हो जाएगा 19,500, इसके ऊपर नहीं खुलना चाहिए। इसके ऊपर खुल जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, पहला 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, पहला 15 मिनट का कैंडल आएगा उसके ऊपर मार्केट निकलेगा, हम वहां पे बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली मार्केट क्या किया है, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ का रैली करने का कोशिश किया है
यहाँ पे, यहाँ से देखेंगे पहला 15 मिनट का कैंडल को ऊपर गया, मार्केट फंसा दिया लोगों को। यहाँ पे देखेंगे पहला 15 मिनट का कैंडल को ऊपर गया, फंसा दिया लोगों को। आज पहला 15 मिनट का कैंडल के ऊपर गया, लोगों को फिर से फंसा दिया। तो अगर कल भी पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगा, गैप अप खुल के उसके ऊपर निकलेगा, तो क्या है ना, रिटेल जो होगा वो बाई करना नहीं चाहेगा। वो क्या सोचेगा, ये सारे लेवल्स को क्रॉस करने देंगे, उसके बाद प्राइस एक्शन बनेगा, फिर लेंगे। तब तक बहुत देर हो चुका होगा। इसलिए कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है 19,500 के ऊपर और एक 15 मिनट का कैंडल ग्रीन आता है और उसके ऊपर निकलता है, तो हम वहां पे बाई कर लेंगे कुछ सोचे बिना। 15 मिनट का कैंडल का लो का टारगेट 1:2, 1:1 आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप रैली को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट एक फिर बहुत जल्दी खींच देगा, यहाँ पे जितने भी शॉर्ट है वो पूरी तरीके से अब कवर हो चुका होगा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ गैप अप ओपन होने का। इनकेस अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप 500 के नीचे ओपन होता है, तब तक 500 के जब तक ऊपर नहीं ओपन नहीं होता तब तक हम शॉर्ट साइड में ही देखेंगे। 500 के नीचे ओपन होकर पहला कैंडल रेड बनेगा, शूटिंग स्टार टाइप का एक बहुत बेयरिश कैंडल हो गया, एक अच्छा खासा रेड कैंडल उसके नीचे निकलेगा, आप छोटा सा क्वांटिटी सेलिंग में ऐड कर सकते हैं। और फुल क्वांटिटी कब ऐड कर देंगे, जब मार्केट ए जोन के नीचे निकल जाएगा। ठीक है, ये कौन सा जोन होगा मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। ए जोन हो जाएगा आपका लगभग आप पकड़ के चल सकते हैं 19,420। इसके नीचे मार्केट जैसे निकल जाएगा आप पूरा क्वांटिटी अपना एड ऑन कर सकते हैं। इनकेस अगर आप थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आधा क्वांटिटी जैसे ही मान लीजिए 500 के नीचे ओपन होके मार्केट फ्लैट ओपन हो, छोटा मोटा गैप अप ओपन हो, पहला कैंडल रेड बन जाता है और उसके नीचे निकलता है, तो आप आधा क्वांटिटी ऐड कर दीजिए क्योंकि सेलिंग होगा तो बहुत फास्ट होगा। बाकी क्वांटिटी आप कब ऐड करेंगे, जब मार्केट फ्लो में 420 के नीचे निकले तब ऐड कर सकते हैं, या फिर रुक के 420 के नीचे निकले तब भी ऐड कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर मार्केट 500 के नीचे ओपन होता है और पहला कैंडल रेड होता है उसके नीचे निकले, छोटा सा क्वांटिटी ऐड कीजिए, 420 के नीचे 19,420 के नीचे फुल क्वांटिटी आप एड ऑन कर लीजिए। ओके, ये हो गया फ्लैट ओपन होके। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों, ऊपर जाने के टाइम पे हम कुछ क्यों नहीं कर सकते, फर्स्ट पुल बैक होगा, फर्स्ट पुल बैक पे हम कभी बाई नहीं करते। एक अच्छा सेल ऑफ आया, फर्स्ट पुल बैक होगा तो वेट करेंगे, अगर 500 के आसपास जाके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो हम बाई करेंगे, अगर फर्स्ट पुल बैक होने के बाद फिर से नीचे आ जाता है 420 को तोड़ देता है तो हम सेल कर देंगे। इसलिए फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे आएगा तो 420 के नीचे सेल, छोटा मोटा गैप अप आएगा, छोटा एक 15 मिनट का कैंडल के नीचे निकलेगा हाफ क्वांटिटी पे सेल और 420 के नीचे निकलेगा फुल क्वांटिटी पे सेल। ओके, अब इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है, इस तरह का सिनेरियो में गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो गैप डाउन ओपन होगा तो दो सिनेरियो हो सकता है हमारे लिए। सबसे जो आइडियल सिनेरियो होगा वो होगा गैप डाउन ओपन हो, 420 के लेवल को, 420 का लेवल को थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर से जैसे डे लो को तोड़ेगा हम वहाँ पे पोजीशन एड ऑन कर लेंगे। डे हाई का टारगेट 342 का फर्स्ट टारगेट, माफ कीजिए, डे हाई का एसएल 342 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद आप फ्लो में कल पूरा दिन बैठे रह सकते हैं। देखिए पहले एक और चीज देखिए, मार्केट कॉन्स्टेंटली कुछ दिनों से साइडवेज और वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, कोई ट्रेंडिंग डे नहीं मिल रहा है, तो कल पॉसिबिलिटीज हो सकता है एक ट्रेंडिंग डे निकाल दे मार्केट, उसमें हम क्या करेंगे, वही चीज, अगर गैप डाउन ओपन होगा रिटेस्ट करके निकल गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तरह का रिटेस्ट मैं बोल रहा हूं, एक पॉइंट था यहां पे रिटेस्ट किया, डे हाई को निकला तो ये ऊपर चला गया, सेम टू सेम चीज मान लीजिए गैप डाउन ओपन होके रिटेस्ट करके निकला, डे लो को जैसा तोड़ेगा, डे हाई का एसएल देके बैठे रहिए, कल हो सकता है एक ट्रेंडिंग डे आप लोगों को देखने को मिल जाए। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन का। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, वी हैव टू सी, वेट एंड वॉच क्या कर रहा है मार्केट, नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम कहां पे सेल कर सकते हैं, वीडियो को लेवल को एक बार फिर से देख लीजिए, फ्लैट ओपन होके नीचे, छोटा मोटा गैप अप ओपन होके नीचे, या गैप डाउन ओपन होके रिटेस्ट करके नीचे, तो ये सारे लेवल्स पे हम एक बार सेल कर सकते हैं। इनकेस गैप डाउन ओपन होके रिटेस्ट किया नहीं, डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो आप चाहे तो एक बार छोटा सा रिस्क लेकर सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा वेट कीजिए, कहीं ना कहीं मार्केट आपको फिर से एक स्विंग बना के मौका जरूर देगा। मार्केट मौका देता है आप लोगों को, अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट हमेशा आप लोगों को मौका देगा। अच्छा, ये हो गया निफ्टी का। अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, पहले बैंक निफ्टी का हम डेली कैंडल देखेंगे कहां पे क्या बना है। बैंक निफ्टी के डेली कैंडल भी बहुत अच्छा खासा नेगेटिव है, तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कल अगर कल देखिए बैंक निफ्टी कॉन्स्टेंटली ना नीचे आने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा है इन, और ऊपर से क्या है ना, वीकली में शूटिंग स्टार आ चुका है, बैंक निफ्टी में भी आ चुका है, उसके नीचे भी निकल चुका है, फिर निफ्टी में भी आ चुका है, इसलिए हो सकता है एक आध वीक, ये वीक और नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बेयरिश प्रेशर रहे मार्केट पे, तो हम बैंक निफ्टी में भी सेल के बारे में ही सोचेंगे। डेली कैंडल देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली 3 दिन मार्केट प्रेशर कर रहा है नीचे आने के लिए, तो कल अगर फिर से ये सारे लोग बहुत बार टेस्ट हो चुका है फिर से आएगा, तो इस बार रुकने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ऊपर से 45,000 के नीचे भी आके फिर से क्लोजिंग दे रहा है, और बैंक निफ्टी को आप अगर ध्यान से देखेंगे वो कभी भी अपना जो मेजर लास्ट स्विंग है ना उसके ऊपर निकला ही नहीं। आप देखेंगे मेजर लास्ट स्विंग के ऊपर बैंक निफ्टी कभी भी निकला ही नहीं, कभी भी निकला नहीं। और आप अगर आपका अगर व्यू ठीक रहेगा तो आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, मैं ये राइटिंग को हटा देता हूं, आपका अगर व्यू ठीक रहेगा तो आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, आप को मार्केट रेस्पेक्ट करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे, मान लीजिए आप सेल ऑन राइज के बारे में अभी देख रहे हैं, तो आप यहां से ट्रेंड लाइन खींचेंगे,
तो भी मार्केट ने आपको रिस्पेक्ट किया है, आप अगर यहां से ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो भी मार्केट ने आपको रिस्पेक्ट किया है। इसलिए बोला जाता है कि सेंटिमेंट, मार्केट के अगर सेंटिमेंट को आप समझ गए, प्राइस बिहेवियर को, तो वहां पर ट्रेंड लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, आपके साथ मार्केट आपको साथ देगा। ट्रेंड को अगर आप पकड़ लेते या मार्केट सेंटिमेंट को आप पकड़ लेते, उसके लिए क्या है ना, आपको प्राइस का बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कहाँ पे कैसे क्या बड़े प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के बिना तो मार्केट पे लिक्विडिटी जितना भी आ जाए एक डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा ना। सेम चीज, तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी बैंक निफ्टी का बेयरिश ही है। ये जोन, मैं ये जोन को एक बार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये जोन कौन सा हो जाएगा, सेम टू सेम मैंने आप लोगों के साथ दिया था 45,080 या 100 पकड़ के चलते, 45,100 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा, वी कैन नॉट गो ऑन द डायरेक्शन ऑफ बाइंग एग्रेसिवली, मतलब एक ट्रेंडिंग बाइंग साइड के मार्केट के लिए हम उसको प्लान नहीं कर सकते। हाँ, पॉसिबिलिटीज हो सकता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इसके सामने बिता के ये छोटा सा मार दे ऊपर, लेकिन यहाँ से अगर जाएगा भी तो वो एक मोमेंटम का ट्रेड होगा, डायरेक्शनल आएगा जब 45,100 के ऊपर मार्केट निकलेगा, ठीक है। तो ये लेवल आप लोगों को शायद याद रह जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, चार्ट गंदा होगा और मुझे गंदा चार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, केओटिक लगता है। एनीवे, तो एक ट्रेंड लाइन को हम रखते हैं कि इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम बाइंग साइड के बारे में एग्रेसिवली नहीं सोच सकते। अच्छा, ये वाला जोन कौन सा था, ये वाला जोन क्लोजिंग प्राइस था लगभग 30 जून का, और इसी के आसपास आप देखेंगे, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको छोटा सा, हाँ ठीक है, तो इसी के आसपास देखेंगे बहुत बार मार्केट नीचे आने की कोशिश किया, इस दिन ट्राई किया लेकिन अच्छा खासा फॉल हो गया था इसलिए रिवर्स हो गया, नेक्स्ट दिन ट्राई किया बहुत ऊपर से आ गया था फिर रिवर्स हो गया, आज भी ट्राई किया लेकिन बहुत टॉप से घूम के आ रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपन होके फ्लो पे नहीं आ रहा है, मार्केट पहले ऊपर जा रहा है ऊपर से गिर रहा है, तो ऑलरेडी क्योंकि 400-450 पॉइंट का गिरावट हो रहा है, तो उस पॉइंट के सामने जाके ना सेलर्स और ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे कि चलो जी आज का प्रॉफिट तो निकल गया, आज हम और इसको नहीं निकलने देंगे। तो इससे क्या होता है ना, एक बड़ा रैली हमें नहीं मिल रहा है, बड़ा रैली तभी आएगा अब जब फ्लैट ओपन होगा, जब फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। अगर फिर से गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या हो जाएगा ना, अगर बैंक निफ्टी में फिर से गैप अप ओपन होगा, मार्केट छोटा मोटा रेंज बनाएगा या फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, या तो ये ट्रेंड लाइन से गिर जाए, या फिर मान लीजिए ट्रेंड लाइन तक गया ही नहीं, यहाँ के रेंज से गिर जाए, या फिर ऊपर चला जाए। ऊपर जाएगा तो ठीक है, चलो जी कोई ना, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तो हम बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर से रेंज बना के नीचे गिरेगा तब भी हमें लेने की इच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करके आएगा, हो सकता है थोड़ा नीचे आए फिर ये घूम जाए। तो इसीलिए फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग ही कल हमें अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट दिखा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होगा तो जैसे ही ये जोन कौन सा है, मैं ये भी आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, 44,700 के नीचे मार्केट जैसे निकलेगा, आप वहां पे एक बार 44,700 के नीचे मार्केट बैंक निफ्टी जैसे निकलेगा आप वहां पे एक बार शॉर्ट करेंगे, फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा कोई दिक्कत नहीं। आप अगर थोड़ा सा डिफेंसिवली प्ले करना चाहते हैं तो एक 15 मिनट का कैंडल का वेट कर लीजिए, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देगा, उसके नीचे निकल जाएगा शॉर्ट डे हाई का एसएल और ट्रेल करते चलिए, पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहेगा कि 44,500 को भी अब वो ना माने और साइडवेज होकर नीचे गिर जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो सकता है। तो ये चीज को याद रखिए, अगर आप 44,700 के नीचे आपको कैंडल क्लोज होता हुआ मिलता है, उसके नीचे निकलता है, तो आप वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कल एक बार निफ्टी को देख लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है, निफ्टी अभी भी अपने शूटिंग स्टार के नीचे आया नहीं, तो कल हो सकता है अगर निफ्टी अपना प्रेशर पॉइंट को जैसे निकालेगा, तीन जो लेवल्स आप लोगों के साथ मैंने निफ्टी में शेयर किया है जो कि हो जाएगा ये सारे लेवल्स 420 का, तो वहां पे एक बहुत बड़ा एक फॉल करेक्शन दिख सकता है और स्टॉक्स भी करेक्ट कर सकता है। तो ये वाला निफ्टी को आप एक बार देख सकते हैं, फिर भी बैंक निफ्टी में वही फ्लैट ओपन होकर 44,700 के नीचे कैंडल क्लोजिंग के नीचे हम एक बार ट्रेड करेंगे डिफेंसिव प्लेयर्स, और बहुत एग्रेसिवली अगर आप प्ले करना चाहते तो अगर बैंक निफ्टी आपको ये स्विंग के नीचे जैसे निकलता हुआ दिखे आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो फ्रेश सेलिंग आएगा, तो आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा आ चुका है, नहीं, फ्लैट ओपन होकर फिर से नीचे आएगा तो एक फ्रेश सेलिंग पे एक और बार मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। इनकेस अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर भी मिल जाता है, रेंज वगैरह मिल जाता है, देखिए एक और सिनेरियो हो सकता है, क्या है ना, फ्लैट ओपन हुआ तुरंत इसको ब्रेक नहीं किया, क्या किया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, इस तरह का रेंज बनाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बेयरिश पेनेंट बोल सकते हैं, बेयरिश फ्लैग बोल सकते हैं, कुछ भी इस तरह का आपको बेयरिश सिग्नल अगर कल देखने को मिल जाए, मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा टाइम बिताया इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, एक बेयरिश आपको पोल एंड फ्लैग वगैरह जो भी देखने को मिल जाए जैसे ब्रेकडाउन करे, वहां पे लेने से घबराइए मत, लीजिए पूरा जिगरा फाड़ के एसएल लगा दीजिए लास्ट स्विंग के ऊपर और बैठे रहिए,
पूरा बैठे रहिए सारा दिन, आपको देखने को मिलेगा ह्यूज एक फॉल आ सकता है। और बाइंग के लिए हम कब सोचेंगे, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद एक हैमर कैंडल या ग्रीन कैंडल बन जाए तो हम बाई कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद पहला कैंडल के पहला 15 मिनट का कैंडल के ऊपर निकल जाए तो हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इतना दिन ट्राई करने के बाद फिर से गैप अप ओपन होगा, फिर से ऊपर जाएगा, रिटेल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक बड़ा रैली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लैट ओपन होगा तो हम बाइंग के लिए सोचेंगे नहीं, अनलेस एंड अंटिल मार्केट कल भी इसी जोन पर रुकने के बाद परसों इसको क्रॉस करें, ठीक है। तो आशा करता हूं यही सारे लेवल्स के हिसाब से मार्केट आने की कोट करने की कोशिश करेगा। इनकेस इसके बाहर का कुछ मुझे सिनेरियो दिखता है तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा, और अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा कि देखिए मार्केट का कंडीशन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम प्लान करेंगे, प्लान वाइज ट्रेड करेंगे। हम आप ये बात ध्यान से दिमाग से छोड़ दीजिए कि स्टॉक मार्केट एक पैसे का कुआ है। यू आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट द बेस्ट, यू आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट द बेस्ट 10%। 90% लोग तो लॉस कर ही रहे हैं, आपका कॉम्पिटिशन उनसे नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन है जो बेस्ट 10% है, और उनका दिमाग डोंट अंडर एस्टिमेट देम, उनका दिमाग इतना चलेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको क्या ना प्रॉपर प्लान एनालिसिस करके 2-2.5 घंटा चार्ट देखने के बाद एक ट्रेड मिलता है, तो उतना भी आसान नहीं है जो लोग दिखाते हैं, इतना आसानी घूम घूम के हो रहा है, शायद हो रहा है होगा, पता नहीं वो लोग क्या खाते है, मुझे नहीं समझ आता। तो इसलिए अगर प्लान वाइज अगर आपका नहीं हो रहा है देन डोंट ट्रेड फॉर द डे। क्या है ना, कैपिटल है तो जहान है, पैसा है तो जहान है, सेम चीज, ध्यान से ट्रेड कीजिए। मार्केट का कंडीशन बहुत चेंजेस हो रहा है, आज से अगर 2-2.5 साल पहले होता तो मैं आप लोगों को ये चीज बोलता भी नहीं, क्योंकि तब मैंने भी ट्रेडिंग किया है, तब थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था क्योंकि वॉल्यूम नहीं था, हाँ एक फ्लो में मार्केट करता था, लेकिन अभी मार्केट पे वॉल्यूम है, हर किसी को सब कुछ मालूम होता है। तो आपको एक ट्रेडिंग का एज चाहिए, और आपके लिए ट्रेडिंग का एज अब क्या आएगा, या तो आप ट्रैपिंग सीख लीजिए या फिर आप एक स्टोरी सीख लीजिए। स्टोरी मतलब बड़े प्लेयर्स कैसे प्ले कर रहे हैं, उनके दिमाग पे उनके साथ चलने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट करके अपना सपोर्ट बता दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो और लाने पे, और खुद को भी मैं ट्राई करता हूँ और ज़्यादा अपडेटेड रखने में, ताकि आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करके हम अपना ट्रेडिंग करियर और आगे तक ले पाए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, और नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक चेक करना मत भूलिए।